नमस्कार दोस्तों, भारत देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब देश में चुनाव है। चुनाव का मतलब इस देश में जनता का अपने नेताओं से रूबरू होना है। इसको कोई कैसे रोक सकता है? और शायद यही वो बड़ी वजह है जिसके लिए सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद रखना चाहती थी और चुनाव के समय वह चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं निकले। इसके लिए बाकायदा कितने तर्क गढ़े गए सरकार की तरफ से, और जिन तर्कों के आश्रय पहली बार यहां तक कहा गया कि दरअसल चुनाव प्रचार आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यानी यह कोई संवैधानिक मसला ही नहीं है, यह तो कानून की प्रक्रिया है जिसमें आपको चुनाव प्रचार का हक मिलना चाहिए, लेकिन आपके खिलाफ जब कानूनी कार्रवाई चल रही हो तो फिर ऐसे में चुनाव प्रचार आप कैसे कर सकते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट ने किसी की भी नहीं सुनी। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभूतपूर्व करार दे दिया और साफ तौर पे उसने कहा कि कैसे संभव है कि 5 साल में एक बार देश में चुनाव होते हैं और चुनाव के समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। वह एक राजनीतिक दल के सबसे बड़े नेता भी हैं, उस पार्टी के संयोजक हैं, यानी सियासी तौर पर इस भारत देश के भीतर लोकतंत्र को खत्म कर देने की स्थितियां जो है अगर इसी तरीके से रही तो तब तो कोई भी चुनाव के समय बाहर नहीं निकल पाएगा, सबको जेल में बंद कर दिया जाए। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसका जवाब शायद सरकार के पास नहीं, ईडी के वकील के पास नहीं, अटॉर्नी जनरल के पास नहीं, सॉलिसिटर जनरल के पास नहीं, क्योंकि जिन तर्कों के साए तले 7 तारीख और 10 तारीख के बीच में गढ़ा गया उसमें साफ तौर पर सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी कि वह किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल को जेल के बाहर निकलते हुए नहीं देखना चाहती है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरे चुनाव प्रचार के समय के लिए अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को यह कहकर के दे दिया कि वह प्रचार कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन शर्त केवल एक है, बतौर मुख्यमंत्री वह गवर्नेंस के काम को नहीं करेंगे। यानी चुनाव प्रचार कितना जरूरी है, चुनाव कितना जरूरी है, लोकतंत्र बरकरार है यह दिखाना कितना जरूरी है, और इसीलिए 5 साल में एक बार होने वाले चुनाव के समय में किसी भी मुख्यमंत्री को जेल में कैसे बंद रखा जा सकता है, जबकि अभी केवल आरोप भर है। और उन सारे आरोपों को मद्देनजर बीते करीब 40-41 दिनों से जब से वह जेल में बंद है उस दौर में भी कोई पुख्ता सबूत निकल करके आया नहीं सामने। हलफनामे के तौर पर ईडी चाहे इस बात का जिक्र कर रही हो कि हमारे पास यह भी है वह भी है, लेकिन पुख्ता तौर पे कुछ भी सामने नजर नहीं आता। तो ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत मिल गई। वह 1 जून तक देश में चुनाव प्रचार खुलकर करेंगे और 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा, यानी एक बार फिर वह 2 जून को जेल में चले जाएंगे। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल इस भारत देश के भीतर अब खड़ा हो गया कि 2 जून को सरेंडर करेंगे और 4 जून को लोकसभा चुनाव के फैसले आने हैं देश में, तो उन फैसलों के साए तले अगर देखे जब वो कल से चुनाव प्रचार के मैदान में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल होंगे और जिन बातों का जिक्र करेंगे वो उसमें कट सरकार वर्तमान सरकार कटघरे में होंगे, देश के प्रधानमंत्री कटघरे में होंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह कटघरे में खड़े होंगे, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति में बार बार इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली के भीतर कितना भ्रष्टाचार हुआ और मुख्यमंत्री इसीलिए जेल में है, यहां तक कि डिप्टी सीएम भी जेल में है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है। यानी ये कहे कि जेल में रखकर चुनाव प्रचार के अधिकार न देने की व्यवस्था केंद्र सरकार और मौजूदा सरकार के वकीलों ने बाखूबी कर रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव 5 साल में देश में एक बार होता और चुनाव प्रचार के लिए वो बाहर नहीं निकले, चुनाव प्रचार की खुली छूट उन्हें नहीं दी गई और उन्हीं के मुद्दों के आसपास अगर चुनाव प्रचार दिल्ली के भीतर हो रहा है तो फिर इसका मतलब मायने क्या है? तो 3-4 सवाल सबसे बड़ा कि 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है, यानी 23 तारीख तक चुनाव प्रचार दिल्ली में होना है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें और 7ों लोकसभा सीट स्तंभ में भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली के 7 सीटों को लेकर समझौता कर लिया।
चार सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है दिल्ली के, और तीन सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब यहाँ पे सियासी तौर पर चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल मैदान में खुद उतरेंगे तो क्या एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की लोकसभा सीट जीत पाएगी? यह सवाल इस दौर में इसलिए भी बड़ा है क्योंकि सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे चुनाव प्रचार में केवल अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मौजूदा सरकार यानी आम आदमी पार्टी का करप्शन ही इस दौर में छाया हुआ है। और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी बार बार करप्शन का जिक्र करते हुए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जिक्र कर रही है, जिसका जिक्र बार बार हर राजनीतिक पार्टी ने यह कहकर के उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस इलेक्ट्रोल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया तो वह कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर देश में एक चाल थी वर्तमान सत्ता की। यानी पहले सवाल का जवाब होता है इन सात लोकसभा सीटों पर क्या होगा, और यह सारे लोकसभा की सीट बीजेपी के हिस्से से अगर खिसक गई तो एक ही झटके में 400 पार के अब नारे नहीं लगते हैं, 303 से घटाना आप शुरू कर दीजिएगा, उसमें से दिल्ली के सात लोकसभा सीट को घटा दीजिए। उसके बाद दो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती पंजाब के भीतर, और पंजाब में वोटिंग 1 मई को होनी है। पंजाब की दो लोकसभा सीट को गंवाने के साथ 7 और 2 9 सीटें हो गई। हालांकि गुजरात के भीतर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया लेकिन वहां पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, और हरियाणा के भीतर भी आम आदमी पार्टी का एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो इंडिया गठबंधन की ओर से है। तो अगर इस मैथमेटिक्स को समझेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा करीब 8 9 10 सीट, सवाल इतना भर नहीं है। यहीं से एक और नया सवाल जन्म लेता है कि चुनाव प्रचार में अब खुले तौर पर इस बात दौड़ने लगेगा कि दरअसल इस भारत देश के भीतर में मौजूदा केंद्र सरकार ने चुनाव प्रचार से हटाने के लिए इस तरीके की साजिशें रची और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया, और लगातार वह जो प्रयास कर रही थी और जो तर्क दिए गए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने 7 तारीख को ही कहा था कि यह एक अभूतपूर्व स्थिति है, संकेत उसी समय मिल गए थे। लेकिन कल के ही दिन ईडी के ओर से वकीलों ने जिन बातों का जिक्र किया और इस बात के हलफनामे के तौर पर लिखा, जरा दरअसल उसको भी जान लीजिए कि इस चुनाव प्रचार की धार जो है अब किधर जाने वाली है, और यह पूरे भारत देश में दौड़ेगी क्योंकि इसी दौर में आम आदमी पार्टी अकेले अब नहीं है, उसके साथ कांग्रेस खड़ी है, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, अखिलेश यादव खड़े हैं, उसके साथ आरजेडी खड़ी है यानी बिहार के तेजस्वी यादव खड़े हैं, उनके साथ शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे, जिसको भारतीय जनता पार्टी या कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नकली शिवसेना कहते हैं, उद्धव ठाकरे उनके पिता ने शिवसेना बनाई और उन्हें नकली करार दे रहे हैं, तो नकली कौन सी स्थिति है? उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र के भीतर भी चुनाव प्रचार हो रहा है। अब तो केवल 3 ही चरण बीते हैं चुनाव के, तो तमाम राज्यों में जहां जहां इंडिया के मौजूदगी और उस मौजूदगी के साथ वहां के नेताओं की मौजूदगी उस चुनाव के भीतर में क्या कुछ गुलखिलाएगा, जाहिर तौर पे पहला सवाल उठेगा कि जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक तर्क गढ़े और सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम तर्कों को वर्तमान सरकार के खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस दौर में केंद्र सरकार बार बार बदलना क्यों चाह रही है? सियासी तौर पर दिल्ली के अधिकार छीन लिया गया संसद की ताकत दिखाकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि सारी ताकत चुने हुए मुख्यमंत्री के पास होनी चाहिए तो संसद में विधेयक ला करके सारे पावर एलजी को दे दिए गए। चुनाव आयुक्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उसको भी संसद के जरिए देश में बदल दिया गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दे दिया, उस पर भी सरकार ने कहा देखिए हमारी वजह से ही इतना एक्सपीरियंस, मतलब इतना अस्पष्ट हुआ कि पता चल गया। होते होते बाद जब महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी गई तब सुप्रीम कोर्ट उस दौर में राज्यपाल की भूमिका को भी असंवैधानिक करार दे दिया था, उस राज्यपाल को हटा दिया गया, बदल दिया गया। लेकिन पूरी भूमिका है जो अब अरविंद केजरीवाल के जेल के बाहर निकलने के साथ ही देश में चुनाव प्रचार के मैदान में गूंजने लगेगी और समूचे भारत देश के भीतर, यानी दूसरा सवाल का जवाब होता है कि पूरे देश भर के भीतर यही सवाल बहुत बड़ा होगा कि मौजूदा सत्ता ने अपनी सत्ता न गंवाने के लिए विपक्ष को कैसे तोड़ा, विपक्ष पर कैसे आरोप लगाए, विपक्ष पर कैसे ईडी सीबीआई के द्वारा उसको जेल में डाला गया और उसको जेल चुनाव प्रचार से दूर रखने के लिए कैसी कैसी कार्रवाई की, और ईडी और सीबीआई की भूमिका, आईटी की भूमिका इसी दौर में मौजूदा सरकार के अनुकूल कैसे होती चली गई, ये एक और सवाल होता है।
अगला सवाल बहुत गंभीर होता है, क्योंकि इस अगला सवाल में दरअसल इस भारत देश में जो हलफनामा इस दौर में जो दिया गया कोर्ट में, उस हलफनामा के आसपास जो ईडी के जरिए दिया गया, यह कहते हुए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार में नहीं आने देना है, उस हलफनामे के हिस्सों को जरा समझिए और पढ़िएगा, देखिएगा कि उसमें लिखा जाता है कि चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, न ही ये संवैधानिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार है। यानी ये कहे कि सियासी तौर पर पूरे तौर पर एक केस के मद्देनजर आरोपों के जरिए ही किसी को भी जेल में बंद करके आप पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था से अलग कर सकते हैं, इसके ऊपर मोहर अपने विरोध के देते हुए तर्क के भीतर लगाए। वही दूसरा एक और तर्क दिया गया कि हमारी जानकारी में किसी भी राजनेता को अंतरिम जमानत नहीं दी गई, अगर कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी जमानत नहीं दी गई। लेकिन सच इस दौर का क्या है, सच तो यह है कि जो तर्क हार्दिक पटेल ने जो बीजेपी में शामिल करने के लिए एक रेखा खींची जा रही थी, उस समय जब हार्दिक पटेल चुनाव लड़ने के लिए सजा भुगत रहे थे, हाईकोर्ट में गए तो गुजरात हाईकोर्ट ने स्टे नहीं लगाए, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उनके ऊपर स्टे लगा दिया गया उनकी सजा का, और उसके बाद वो चुनाव लड़ गए और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सच यह भी है इस देश में। उसके तीसरा एक और तर्क था कि ऐसा नहीं है कि किसी राजनेता को अंतरिम बेल मिल जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट केवल इस बात का जिक्र कर रहा था कि चुनाव प्रचार में शामिल होना जरूरी है, क्योंकि जिन सारे लोगों ने अपने वोट के जरिए जिस सरकार को चुना है और जो मुख्यमंत्री है, वह अगर चुनाव के समय ही अपने लोगों से आमने सामने रूबरू नहीं होगा तो इसके क्या मतलब और मायने देश में बचेंगे। लेकिन इसके ऊपर जवाब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल के पास कुछ नहीं था। उसके बाद एक तर्क होता है कि पिछले 3 साल के भीतर 123 चुनाव हुए देश में, अगर किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देश में दे दी गई होती तो किसी को भी गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि इलेक्शन तो पूरे साल, यानी ये कहे कि इसमें विधानसभा चुनाव को भी अपने तौर पर सरकार ने घेर लिया और कहा ऐसे में तो कोई भी जेल से छूट करके आ जाएगा और कोई भी बाहर आकर के यह कहेगा। इसकी पूरी संवेदनशीलता को और सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और कहा यह अभूतपूर्व है, इस बात को समझिए, लोकसभा के चुनाव देश में हो रहे हैं और उस चुनाव में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को आपने जेल में बंद करने के तर्क गढ़ रहे हैं। यानी डेमोक्रेसी देश में है तो उस डेमोक्रेसी के हिसाब से ही देश के संविधान ने उसकी व्याख्या की है और उसी के मद्देनजर सवाल ये नहीं कि उस पर क्या आरोप कैसे है, सवाल ये हो सकता है कि संविधान बनाने वालों को ये बात समझ में कभी भी नहीं आया होगा कि ऐसी स्थिति भी देश में आ सकती है जब लोकतंत्र के तौर पर जो देश में चुनाव होते हैं उन चुनाव के भीतर ही जो उनके प्लेयर्स होते हैं उनको जेल में डाल दिया। ये किसी ने कभी कल्पना नहीं किया होगा और ऐसा भी नहीं है कि कोई सिद्ध आरोप हो गया उस पर, केवल आरोप भर है। तो इन सारी परिस्थितियों में जवाब कौन देगा, जाहिर सी बात है इसके बाद कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से एक और तर्क गढ़ा गया। सरकार ने कहा अगर चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को कोई रियायत दी जाती है तो यह समानता और कानून के लिए अभिशाप होगा। यानी एक ही झटके में इस भारत देश के भीतर में जो तमाम कैदियों के साथ होता है या जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है उसके समकक्ष ला करके कह दिया कि देखिए समानता का मतलब तो यह है कि सभी जेल में। और यहीं से सवाल सबसे बड़ा उठता है कि इस भारत देश में बतौर नागरिक या किसी का भी अधिकार है कि 5 साल में होने वाले चुनाव में अगर वह शिरकत कर रहा है और सियासी तौर पर और प्लेयर के तौर पर अगर उसकी शिरकत हो रही है चुनाव में तो उसको आप कोई रोक नहीं सकते, उसे बंद नहीं रख सकते, अगर वह साबित आरोप उस पर नहीं हुआ हो। और इस पूरे प्रकरण के भीतर जो है हमें लगता है आज एक बात, एक व्यक्ति को और याद कीजिए, जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जेल में रखा गया था, उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा था, इमरजेंसी के समय उन पे एक केस चल रहा था, डायनामाइट करके कुछ केस था, उनके ऊपर आरोप साबित हो गए थे, उसके बाद उन्हें जेल में रखा गया, नॉमिनेशन फाइल होने की जो जेल में रहते हुए हुई और इसी दौर में होते थे, हो सकता था कि जेल में रहते हुए नॉमिनेशन फाइल करने से भी सरकार रोक दे।
वह चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं निकले, लेकिन चुनाव प्रचार के पूरे दौर में जो है उस समय 1977 के चुनाव में उनको जेल में रहने को ही उनके नारे में बदल दिया उसको। वो इमरजेंसी से के ठीक बाद की परिस्थिति थी, तो क्या इस दौर में ठीक कुछ वैसी ही परिस्थितियां सियासी तौर पर ऐसी परिस्थिति इस भारत देश के भीतर कभी भी नहीं रही होगी जब देश में वर्तमान सरकार तर्क दे रही हो और सुप्रीम कोर्ट काउंटर कर रहा हो। सरकार सियासी तौर पर तर्क दे रहा हो और सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक तौर पर डेमोक्रेसी का मतलब वर्तमान सरकार को समझा रहा है। सरकार अपने तौर पर चाहती नहीं कि देश में चुनाव प्रचार में कोई जेल से बाहर निकल कर के आए, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इसको अभूतपूर्व करार दिया। और इन सारे तर्कों के आश्रय अगर एक एक चीज को आप इस दौर में अगर समझना परखना शुरू करेंगे तो उसमें दो तीन बातें सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम खुले तौर पर कहा, जिसका जिक्र 7 तारीख से ही शुरू हो गया। उन्होंने कहा यह अभूतपूर्व स्थिति है, देश में लोकसभा चुनाव है, हर 5 साल में होते हैं, जनता अपने नेताओं से मिलना चाहती है, जनता नेताओं को समझाता है और मुख्यमंत्री को अपना जनता के सामने बात करने का मौका। तो चुनाव केवल 5 साल में होता है इस पे तर्क दिया गया, जी नहीं, हर साल होते हैं, इसमें विधानसभा चुनाव को समेट लिया गया। अब सवाल उठता है कि अगर दिल्ली का चुनाव हो रहा हो जो फरवरी 2025 में होना है, उस दौर में अगर यहाँ का मुख्यमंत्री अगर जेल में है और केवल आरोपों के सिलसिले भर से, तो फिर केवल देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र के आधार पर देश के संविधान के सोच क्या मायने रखेगी, क्योंकि संविधान की शपथ लेकर के ही तो सभी कोई जो है संवैधानिक पदों को संभालते हैं। अगर इन परिस्थितियों के भीतर आप ध्यान देंगे कि जब लगातार सुप्रीम कोर्ट के भीतर ये मामला चलते चला गया, 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्थिति अभूतपूर्व है, उससे पहले आप ध्यान देंगे कि 30 अप्रैल को एडी से एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आपकी टाइमिंग पे शक होता है कि चुनाव के समय आप ऐसी टाइमिंग क्यों चुना। 15 अप्रैल को आप ध्यान दीजिए एडी को नोटिस दिया गया था और पूछा गया था आपने जो गिरफ्तार किया है इसको ही चैलेंज किया जा रहा है, तो आप अपने तौर पर इसका भी जवाब दीजिए कोर्ट को। यानी परिस्थितियों के भीतर सुप्रीम कोर्ट जिसको ताकत है संविधान की व्याख्या करने को लेकर के, सरकार मौजूदा सरकार और सरकार के वकीलों के जरिए और वकीलों के जरिए इस भारत देश के जांच एजेंसियों के, जो ताकत सरकार ने अपने तौर पे दे रखी है वो सियासी तौर पर कहीं चल तो आगे नहीं रही है। ऐसे में यानी भारत देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर जो 3 सबसे बड़े सवाल इस पूरे प्रकरण ने उभार कर रख दिया है, वो शायद भारत देश के लोकतंत्र को लेकर के सबसे बड़ा सवाल होगा। यानी इस भारत देश में लोकतंत्र का मतलब अगर देश में चुनाव है और चुनाव को लोकतंत्र के पर्व के तौर पे समझा जाता है, तो इस देश में सियासी दल और उसके नेता इस चुनाव में भागीदारी के लिए वही खिलाड़ी होते हैं जिनको देश की जनता वोट देती है, उसको ब्रेक करने की कोशिश लगातार हो रही जो इस पूरे के पूरे प्रकरण में इस दौर में नजर सामने आ रही है, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल। वही दूसरी परिस्थिति, अगर इन परिस्थितियों के भीतर अगर सरकार मौजूदा सरकार ये तर्क देने लगे कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है आपका, तो केवल जो फंडामेंटल राइट्स संविधान के भीतर लिखे गए हैं उससे हटकर सरकार को क्या पूरे के पूरे तमाम बाकी अधिकारों के ऊपर वह कब्जा कर सकते, क्योंकि एमएसपी भी तो किसानों का, ये भी नहीं लिखा, तो एमएसपी नहीं देंगे, फंडामेंटल राइट्स आपका नहीं है, इस भारत देश के आदिवासियों के जल जंगल जमील को जो जमीन को जो छीना जा रहा है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इसको भी अपने तौर पे सरकार अलग कर देगी। इस देश के कॉरपोरेट का कर्जा माफ होगा या नहीं होगा इसका जिक्र भी फंडामेंटल राइट्स के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है, लेकिन 16 लाख करोड़ रुपये मौजूदा सरकार ने माफ कर दिए कॉरपोरेट की, यह भी दर्ज नहीं है जो भारत छोड़ करके भाग गए, उनको इतना पैसा दे दिया गया बैंकों को कंगाल करके वो भाग गए, वो अभी तो जिक्र नहीं है फंडामेंटल राइट्स में। तो क्या फंडामेंटल राइट्स के आश्रय कई बार ऐसा तर्क गढ़ा गया पहली बार जिसकी सरकार की अपने उस मनस्थिति के सामने ला करके रख दिया, जिसका जिक्र इस दौर में बार बार किया जा रहा, और शायद यही बहुत बड़ी कारण है जिसका डर वर्तमान सत्ता को है, क्योंकि अब चुनाव के प्रचार में देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ होंगे, बिहार में वो तेजस्वी यादव के साथ होंगे, वो महाराष्ट्र के भीतर कहीं उद्धव ठाकरे के साथ होंगे, कहीं शरद पवार के साथ होंगे और नजर आएंगे मंचों पर। अब पूरे देश भर के भीतर राहुल गांधी के साथ कई रैलियों के भीतर अरविंद केजरीवाल को देखें, यानी इसी दौर में
अलग अलग राज्यों के भीतर यह देश में मुद्दा होते चला गया बड़ा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहल नहीं किया होता और सुप्रीम कोर्ट के बात को अगर सरकार दरकिनार करती रही, जो इससे पहले संसद की ताकत दिखा करके उसने बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात को दरकिनार किया, तो क्या ऐसी स्थिति में इस भारत देश के भीतर लोकतंत्र का खतरा अगर मंडरा रहा, जिसका जिक्र विपक्ष की राजनीतिक पार्टी भी घूम घूम करके देश में कर रहा है, ये चुनाव इस बार कितना महत्वपूर्ण है और इस चुनाव की वजह इस भारत देश में लोकतंत्र का खतरा और देश में संविधान के खत्म होने की स्थितियां, तो क्या वह इस बार छूट नहीं है? शायद उसकी जीती जागती एक तस्वीर के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार देश भर में घूम घूम करके बताएंगे जरूर। और शायद इसीलिए इस दौर में जिक्र हो चला है कि 4 जून को क्या होगा देश में, क्योंकि पहले तीन चरणों में जो संकेत मिल रहे थे और कल राहुल गांधी ने जब कहा कि 4 जून को इंडिया की सरकार देश में बनेगी और अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, तो उसके बाद की परिस्थितियों को आप केवल समझते चले जाइए, देखते चले जाइए कि सियासी तौर पर देश में चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव एक अनूठा चुनाव होगा, जिसमें संविधान भी शामिल है, लोकतंत्र भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट के जो पहल भी शामिल है और मौजूदा सरकार के जरिए अपने तर्कों के आश्रय देश के लोकतंत्र, संविधान और लोगों के अधिकार को लेकर के नई परिभाषा गढ़ने की स्थितियां भी इस दौर में शामिल है। देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।